बरसात के मौसम में आम इंसानों से लेकर पशुओं में भी कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। इस समय पशुओं में बड़ी मक्खी के कारण एक बीमारी फैल सकती है, जिससे बचने के लिए पशुओं को साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है। पशु चिकित्सक की माने तो मक्खी के काटने से पशुओं में हल्का बुखार और अन्य बीमारियां हो सकती हैं, जिससे पशु गंभीर रूप से बीमार हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। वहीं पशु चारा खाना भी छोड़ सकता है और उसका दूध भी कम हो जाता है। इससे बचाव के लिए लोगों को नीम की पत्तियों का धुआं करते रहना चाहिए और ज़्यादा बीमार होने पर पशु को पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। चूँकि बरसात का सीज़न जो है हॉट एंड ह्यूमिड होता है, कभी गर्मी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है, कभी बारिश है, तो एक तो गलाघोंटू बीमारी होने का भी खतरा रहता है, जिसका वैक्सीनेशन लगभग पूर्ण हो चुका है, और दूसरा एक सीसी फ्लाई होती है, बड़ी मक्खी जिसे बोलते हैं, उसके काटने से ट्रिपैनोसोमा नाम का परजीवी जो है वो खून के अंदर आ जाता है, जिससे ट्रिपैनोसोमियासिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसे सर्रा भी बोलते हैं। तो इसके बचाव के लिए पशुपालक को नीम की पत्ती का वो सुलगाकर धुआं करना चाहिए, ताकि मक्खी पशुओं पर ना बैठ सके और उनको ना काट सके, या नीम का तेल का भी इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ तहाँ पाए से डुबो करके उनके शरीर पर लगा दें, जिससे वो फ्लाई रिपेलेंट का काम करेगा। तो इस तरह से ट्रिपैनोसोमियासिस बीमारी से बचा जा सकता है, और HS बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण ही सबसे बेहतर है। समय से टीकाकरण हर पशुपालक को करा लेना चाहिए, और हमारी सब पशुपालन विभाग की कर्मचारी पैरावेट जितना भी है, सब घर घर जाकर के वैक्सीनेशन कर रहा है, लगभग टीकाकरण वो पूर्ण हो चुका है। इसके लक्षण क्या होते हैं बीमारी के? इसके HS बीमारी के लक्षण है, एक तो तेज़ बुखार आता है, तेज़ बुखार आएगा तो जानवर चारा छोड़ देगा, और कभी कभी अफारे की भी शिकायत होती है। जब रोग अपनी सीमा से बढ़ता चला जाता है तो गर्दन में सूजन आ जाती, श्वास नली में सूजन आ जाती, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। जब सांस लेने में कठिनाई होती है तो घर घर की आवाज़ आना शुरू हो जाता है, तो इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो इसका उपचार भी तत्काल ही पशु चिकित्सक से संपर्क करके होना चाहिए। विलंब होने पर स्थिति खराब हो जाती है और पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके अलावा लगातार कीचड़ और जल भराव की स्थिति में अगर पशु रहता है तो खुरों में सड़न हो जाती है, जिसे फूट राट भी बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए कीचड़ ना हो वहाँ पर खड़ंजा या मिट्टी का लेबल अच्छा होना चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए, कीचड़ होगा तो फिर लगातार पशु खड़ा रहेगा उसमें, तो जो है पैरों में सड़न हो जाएगी, कीड़े भी पैरों में पड़ सकते हैं। तो इससे भी बचाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का घोल जो है एक टब में या एक चट्टान चौकोर बना करके उसमें पशु को पार क्रॉस करना चाहिए, ताकि उनकी धुलाई हो जाए पैरों की, और जो भी संक्रामक कीटाणु हैं वो तो नष्ट हो जाए, जिससे इनके पैर जो हैं सुरक्षित रहें।